दोस्तों मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी होता है तो मुसलमान का नाम पहले आता है। किसी शायर ने कहा है कि मैं पत्थर हूं, मेरे सर ये इल्जाम आता है, आईना कहीं भी टूटे मेरा ही नाम आता है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो कहीं कुछ भी होता है तो सबसे पहले मुसलमान का नाम आता है। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना वायरस जो एक बीमारी, इतनी भयानक बीमारी जब हिंदुस्तान के अंदर आई तो पूरी दुनिया में घूम के आई, लेकिन हिंदुस्तान में जाने के बाद जो है वो हिंदू और मुसलमान बन गई वो बीमारी का नाम। दिल्ली मरकज के अंदर जो है इतने जमातियों को बदनाम किया गया, इतने जमातियों को टारगेट किया गया, दिल्ली हुकूमत ने आनन फानन में उनके ऊपर केस भी बना दी। जो लोगों ने दिल्ली को खड़े रहकर जलाया, जो लोगों ने दिल्ली के ऊपर इतना अत्याचार किया, उनके ऊपर आज तक कोई केस नहीं बना, लेकिन जमातियों के ऊपर केस बनाया गया। आज वही जमाती जो पांचों टाइम नमाज पढ़ते हैं, ये वही जमाती है जो दूसरों को तहजीब सिखाते हैं, ये वही जमाती है जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं, ये वही जमाती है जो दूसरों को इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। वही जमाती आज सिर्फ एक इशारे पर आज अपना ब्लड डोनेट के लिए इतनी संख्या में आए और इतनी संख्या में जो है लाइन लगा के अपने खून को जो है डोनेट किया कि आज वही जो जमाती है उन्हीं के वजह से जो है उनका इलाज किया जा रहा है। जो कोरोना वायरस के जो बीमार है, जिनको पॉजिटिव पाया जाता है, उनका इलाज किया जा रहा है। आइए मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से कितनी भारी संख्या में सिर्फ एक इशारे पर जमातियों ने खड़े होकर और अपना खून डोनेट किया। तो आप बताइए कहां गया ये हिंदू धर्म, या कहां गया मुसलमान धर्म, कहां गया सिख धर्म, कहां गया ईसाई धर्म। आखिर काम आती है तो सिर्फ इंसानियत काम आती है। कुछ जो मोदी मीडिया है जो आज ये दिखाने के, आज ये नहीं दिखा सकती है क्योंकि इसमें मुसलमानों का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जब उनके ऊपर दिल्ली में केस बना था तो मोदी मीडिया ने बराबर दिखाया वो कि कितने संख्या में छुपे हुए हैं। मंदिर में अगर फंसे हैं तो उनको कहा गया फंसे हुए हैं, और मदरसे में अगर मस्जिद में फंसे हुए हैं तो उनको कहा गया छुपे हुए हैं। ये लफ्ज मोदी मीडिया ने दिया। आइए मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से भारी संख्या में जमातियों ने अपना ब्लड डोनेट किया है, जो आज अपने कुछ हिंदू भाइयों के रगों में जाएगा, कुछ ईसाई भाइयों के रगों में जाएगा। ये खून और खून कहीं ना कहीं एक होएगा, जो इंसानियत एक है वो इंसानियत को फिर जोड़ेगा। बार बार मीडिया को उठाकर बार बार हर जिले की कारगुजारी ले रहे हैं। इन लोगों ने जो
बड़ी जो है मेहनत के साथ हम लोगों पर काम किया है अल्लाह, इसलिए हमारे सीएम साहब को अल्लाह बेहतरीन बदला फरमा, उनको सेहत अता फरमा, उनको जो है सियासत में ऊंचे मकाम तक पहुंचा दे अल्लाह, उनके ऊपर रहम और करम फरमा अल्लाह, उनका आफियत के साथ रखे अल्लाह मुसल्ली वसल्लम बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।